वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग पेज नंबर 36 पे और जो टेबल्स का जो एट्रीब्यूट्स है और उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेबल डाटा के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, एट्रीब्यूट ऑफ टीडी टैग्स। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 36 पे, ये नीचे जो है आप लोग यहाँ से देखेंगे, ए टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल हेड। ओके, टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल हेड। ओके, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फूट। ओके, तो ये तीन है, ठीक है। द थ्री एलिमेंट्स फॉर सेपरेटिंग द हेड बॉडी एंड फूट ऑफ ए टेबल्स आर। ओके, तो ये थ्री एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फूट। ये थ्री एलिमेंट्स हैं जो टेबल को डिवाइड करते हैं, है ना, अलग अलग करते हैं, ठीक है। द थ्री एलिमेंट्स फॉर सेपरेटिंग द हेड बॉडी एंड फूट ऑफ ए टेबल आर। अब देखिए, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका टेबल हेड, जिसको हम लोग और सिंटैक्स में और इसके लिए जो टैग यूज करते हैं THEAD, टी हेड। ओके, फिर नेक्स्ट है टेबल बॉडी, तो इसको सिंटैक्स हम लोग TBODY, टी बॉडी इस तरह से यूज करेंगे। फिर टेबल फुट है, तो इसको टैग में हम लोग TFOOT, ठीक है, और टी फूट इस तरह से टैग में यूज करेंगे, है ना। इसके लिए जो टैग होगा और टेबल हेड के लिए वो THEAD, टेबल बॉडी के लिए TBODY एंड टेबल फूट के लिए TFOOT फूट। ओके, तो हेड तो आप जानते ही हैं और क्या होता है टेबल में, तो इट इज यूज टू क्रिएट ए हॉरिजेंटल हेडर ओवर द कंप्लीट विथ ऑफ ए टेबल। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है आपका टेबल हो गया, ठीक है, अब देख लीजिए इसमें तीन कॉलम बना दीजिए। ओके, एक में मीटिंग, सेकेंड में डेज एंड थर्ड में टाइम, राइट। तो टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग क्या होता है, टेबल हेडिंग जो होता है यूज टू क्रिएट ए हॉरिजेंटल हेडर। ये क्या होता है, हॉरिजेंटल हेडर कहने का मतलब कि जो है रॉ जो होता है आपका वो क्या होता है, हॉरिजेंटली होता है, ठीक है, और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन जो हो गया ये वर्टिकल हुआ, ये लाइन आपका हॉरिजेंटल हुआ, ओके, और ये आपका वर्टिकल हुआ, राइट। तो हॉरिजेंटली हेडर होते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली हेडर ओवर द कंप्लीट विथ ऑफ ए टेबल, यानी कंप्लीट विथ ए टेबल, यानी टेबल का जो पूरा चौलाई होता है, पूरा जो विथ होता है उस पूरे विथ में उसके हेडर्स होते हैं, है ना।
जैसे ये टेबल है, इसके पूरा विथ में जो है आपका क्या हेडिंग है, फर्स्ट कॉलम में मीटिंग, सेकंड में डेज एंड थर्ड में टाइम। ओके, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए ग्रुप ऑफ रॉ टेबल इन ए बॉडी, सॉरी टी बॉडी। अब टी बॉडी का देखिए, ये जो आपका है टी बॉडी यानी टेबल बॉडी, तो टेबल बॉडी इट इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रुप ऑफ रॉ इन ए टेबल्स, टेबल बॉडी है ना, यानी कि इस टेबल में जो आपको ये ग्रुप ऑफ रॉज हैं, ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो टेबल बॉडी होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टी फुट, टी फुट हम लोग क्या बोलते हैं, फुट का मतलब होता है फुटर, यानी फुटर मीन्स बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पे हम लोग बॉटम ऑफ द टेबल बोल सकते हैं, है ना। टी फुट इट इंडिकेट्स दैट ए ग्रुप ऑफ रॉज आर द फुटर रॉज, फुटर रॉज का मतलब हुआ यानी जो इस टेबल में सबसे नीचे वाला रॉ है ना, जो सबसे नीचे वाला रॉ है वो कौन सा रॉ हो गया, फुटर रॉज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, यानी टेबल के जो सबसे नीचे वाला रॉ होता है उसको हम लोग फुटर रॉज बोलते हैं, है ना। और इसमें जो लिखे हुए रहते हैं और जो चीजें टेक्स्ट, वो आपका फुटर हुआ, क्या हुआ, फुटर, ठीक है। तो ये तीन टेबल्स के थ्री एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। पहला एलिमेंट जो सबसे ऊपर वाला रॉ में जो लिखा हुआ होता है इसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, ये क्या हो गया, हेड, है ना। अब बॉडी, बॉडी जो हो गया आपका वो क्या हो गया, जैसे मीटिंग है तो मीटिंग के नीचे हम लोग लिख देंगे, मीटिंग का जो टाइम है वो है मॉर्निंग का, तो यहाँ मॉर्निंग लिख देंगे। इवनिंग, तो यहाँ पे हम लोग EVENING, इवनिंग लिख देंगे। डेज जो है, जैसे इसमें मंडे लिख दिया, ठीक है, और इसमें चलिए अच्छा डेज जो है इस तरह से आप लिख दीजिए, 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, MWF, यानी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इवनिंग में TTS लिख दिया, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, और टाइम जो है आपका मॉर्निंग का मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये आपका जो है 9 AM हो गया, और इवनिंग का हो गया 4 PM। ओके, तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये आइटम, ये टेबल का क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, यानी टी बॉडी, टेबल बॉडी हो गया। अब नेक्स्ट है टेबल फुट, ये टेबल फुट क्या होते हैं, तो टेबल फुट इंडिकेट्स दैट ए ग्रुप ऑफ रॉज दैट आर द फुटर रॉज, यानी जो सबसे फुटर रॉज में होते हैं, है ना, यानी सबसे नीचे वाले रॉ में, फुटर रॉज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, एट द बॉटम ऑफ द टेबल, टेबल के सबसे बॉटम में यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। जैसे आप प्रोग्राम में देखिए, यहां दिया हुआ है डिजाइन टीम, ठीक है, और इसमें हो गया डिजाइन, DESIGN, डिजाइन टीम। उसके बाद एडुसॉफ्ट, ITSPL, ITSPL और न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जो बुक में आपका दिया हुआ है वही मैंने लिखा है। तो ये जो सबसे नीचे वाला आप रॉज देख रहे हैं, रॉज ये क्या है, ये है आपके फुटर, ये क्या है, फुटर है, यानी टेबल फुट बोलते हैं, यानी टेबल का जो सबसे बॉटम वाला रोज होता है उसको हम लोग टेबल फुटर बोलते हैं, राइट। अब देखिए इस तरह के टेबल्स के लिए, है ना, और इसके कैप्शन हम लोग दे देते हैं, मीटिंग कैलेंडर, मीटिंग कैलेंडर, ठीक है, मीटिंग कैलेंडर है। तो अब हम लोग इस तरह के, अगर ये फॉर्मेट है, आउटपुट है, ठीक है आपका,
यानी अगर ये इस तरह का आपको कहे कि वेब पेज पे हमको इस तरह का टेबल चाहिए, तो इस तरह के टेबल्स को बनाने के लिए हम लोग किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना। अगर आपको कोई क्या है कि ये हमारा डिजाइन है ना, और इस तरह का टेबल का डिजाइन है, इसको हमको वेब पेज पे डालना है, तो हम लोग वेब पेज पे डालने के लिए और इसको डालने के लिए किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, तो देखिए तो इसको डालने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए इस प्रोग्राम में बुक में तो आपका यहाँ कलर कोड भी यूज किया गया है, बहुत सारा टेबल के अंदर जो है फुटर का अलग कलर है ना, बॉडी का अलग कलर है, और जो हेडिंग है उसके अलग कलर है। हेडिंग में जो है आपको येलो कलर दिया गया है ना, एंड बॉडी में जो है आपका वो ग्रीन कलर है, एंड फुटर में जो है आपका रेड कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे ऊपर में येलो कलर जो है, और बॉडी के लिए फिर रेड, एंड जो है फुटर के लिए रेड कलर, ग्रीन, येलो, ग्रीन एंड रेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है HTML, वो HTML टैग से ही स्टार्ट होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। HTML के बाद फिर क्या होता है हम लोग भी ये भी जानते हैं कि HTML के बाद हम लोग हेड देते हैं, ओके, हेडिंग देते हैं। हेडिंग के बाद हम लोग फिर क्या लेते हैं, टाइटल, क्या लेते हैं, टाइटल, TITLE, टाइटल, ओके। और टाइटल में हम लोग लिख देते हैं वेब पेज, क्या लिखते हैं, वेब पेज, ओके। और फिर इसको हम लोग टाइटल को यहां पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, अब यहां पे हम इसके बाद फिर क्या लेते हैं टेबल टाइटल के बाद, बॉडी, BODY, बॉडी, और बॉडी के अंदर ही हम लोग टेबल बनाएंगे, TABLE, टेबल, बॉडी, बॉडी के बाद टेबल, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबल है, सॉरी यहाँ पे टेबल जो है, टेबल के अंदर तो बहुत सारा एट्रीब्यूट यूज करना है, यानी इसके कलर्स को चेंज करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, और इसमें बॉर्डर्स देने हैं, अगर इसमें बॉर्डर देना है आपको टेबल के अंदर, तो हम लोग बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम में यूज किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टेबल के बाद एट्रीब्यूट देंगे, स्पेस दे के लिखेंगे बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू 1, है ना। नेक्स्ट है आपका बीजी कलर, BGCOLOR, बीजी कलर इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे हैश, और 0 0, फिर F F, फिर 0 0, और इसको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग बंद करेंगे, यानी ये जो कलर यूज किया गया कोड, ये हेक्साडेसिमल कोड है, और कलर येलो के लिए, ठीक है, येलो कलर के लिए। ओके अब हम लोग देखते हैं, और इसमें जो है सेल स्पेसिंग, इट गिव्स अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल, है ना, तो सेल स्पेसिंग का भी यूज करेंगे। अब यहां पे हम लोग देंगे और स्पेस देके सेल स्पेसिंग, CELSPACING, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 2, ठीक है। फिर यहां पे लाइन एडजस्ट नहीं हो रहा, हम लोग नीचे चले जाते हैं, CELL, सेल पैडिंग, PADDING, सेल पैडिंग इक्वल टू 5। फिर हम लोग इसका विथ जो है वो फिक्स करेंगे, WIDTH विथ इक्वल टू 100, है ना, 100%, ओके, और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है ये सारा सेटिंग हो गया,
अब हम लोग ये देख रहे हैं क्या है कैप्शन। अब हम लोग क्या डालेंगे, कैप्शन डालेंगे। ठीक है, कैप्शन में क्या डालेंगे, CAPTION, कैप्शन, है ना। कैप्शन, कैप्शन में क्या है, मीटिंग कैलेंडर, MEETING, मीटिंग, CALENDAR, मीटिंग कैलेंडर। अब यहां पे जो है हम लोग कैप्शन को क्लोज करेंगे, राइट। आप देखिए, अब हम लोग जो है ये हो गया, अब क्या है ये हेडिंग, अब हेडिंग पे काम करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, THEAD, टी हेड, है ना। अब टी हेड में क्या करना है आपको, कि इसका भी जो है कलर, इसके अंदर का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल के बॉर्डर का कलर लिया था, सॉरी, है ना, यहाँ पे हम लोग टेबल का बॉर्डर का कलर लिए थे हम लोग। अब हम लोग ये टेबल के अंदर का और जो है ये सेल के अंदर का कलर जो है चेंज करेंगे, बैकग्राउंड। ठीक है, तो टी हेड, फिर हम लोग लेंगे BG कलर इक्वल टू, यहाँ पे येलो ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और इसको डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करिए, बंद करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग टेबल रॉज TR लेंगे, और टेबल रॉज में क्या है, पहला टेबल हेडिंग, यहाँ लिखेंगे TH, और फर्स्ट है मीटिंग, MEETING, मीटिंग। ठीक है, फिर हम लोग जो है इस TH को बंद करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट TH लेंगे, और उसके बाद क्या है डेज, तो यहाँ लिखेंगे फिर डेज, फिर ये TH को बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट है टाइम, फिर TH लेंगे, है ना, फिर लिखेंगे टाइम, फिर यहाँ TH को बंद करेंगे। ओके, इस तरह से करते जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ये टेबल रॉ जो स्टार्ट किए थे यहाँ पे, है ना, इसको क्लोज करेंगे टेबल रॉज को, और ये जो टेबल हेडिंग स्टार्ट किया था हम लोगों ने उसको THEAD, टेबल हेड को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग टेबल बॉडी है, अब इसके नीचे वाला ये दोनों लाइन क्या है, टेबल बॉडी है, तो अब हम लोग टेबल बॉडी के पे काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे TBODY, है ना, TBODY, टेबल बॉडी। अब यहां से फिर हम लोग TR स्टार्ट करेंगे, यानी टेबल रोज, उसमें फिर TD लिखेंगे, और फर्स्ट में क्या है मॉर्निंग, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे मॉर्निंग, राइट। फिर यहाँ पे TD को बंद करेंगे, क्या करेंगे, TD को बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट TD स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग के बाद क्या है, MWF, तो यहाँ देंगे MWF, फिर यहाँ TD को बंद करेंगे, फिर यहाँ TD स्टार्ट होगा टेबल डाटा, फिर इसमें क्या है 9 AM, तो दे देंगे 9 AM, फिर यहाँ पे TD को हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, इसके बाद ये रॉ जो है इसको भी यहाँ पर बंद कर लेते हैं, TR दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, बंद हो गया। टेबल रॉ बंद, फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट, फिर टेबल एक रॉ ये भी है, ये यूज करेंगे TR। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे TD, इसके बाद क्या है इवनिंग, तो हम लोग दे देंगे फिर इवनिंग, EVENING, इवनिंग, फिर देंगे टेबल डाटा बंद करेंगे, फिर टेबल डाटा स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे TTS, फिर ये टेबल डाटा को क्लोज करेंगे। ओके, फिर हम लोग और नेक्स्ट TD, टेबल डाटा जो है ये आपका
उसको डालेंगे और 4 PM फिर यहाँ पे टेबल डाटा को क्लोज करेंगे, ठीक है, और ये रॉ को भी फिर क्लोज करेंगे TR दे। ओके, अब आपका ये नीचे वाला लास्ट बचा है, ठीक है, तो इसको अब हम लोग देखते हैं। अब तो मिटाना पड़ेगा इसको, अब हम लोग फुट के लिए देखते हैं। चलिए अब ऊपर से मिटाता हूं, तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये सबसे लास्ट वाला जो है आपका फुटर, उसके लिए है ना। अब फुटर में जो है फिर आपका क्या करना है, और यहां पे हम लोग लेंगे टी फुट, टी फुट, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बीजी COLOR, बीजी कलर इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर देंगे कोड हैक्स FF5500, ठीक है, और अलाइन रखेंगे सेंटर ALIGN, अलाइन सेंटर CENTER, अलाइन सेंटर, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। अब हम इसका फिर रॉ स्टार्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे TR, इसका टेबल रॉ बनाएंगे, एक रॉ बन गया ये, ठीक है। अब हम लोग फिर जो है इसके अंदर जो डिजाइनिंग ये डिजाइनिंग टीम्स एडुसॉफ्ट ITSPL न्यू दिल्ली लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट लेंगे और TD है ना, और TD के अंदर क्या है आपका डिजाइन टेबल DESIGN डिजाइन टेबल, ये टेबल को यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट TD आपका क्या है एडुसॉफ्ट ITSPL, ठीक है, इसको फिर क्लोज करेंगे, ये हो गया। सेकेंड थर्ड डाटा क्या है और TD न्यू दिल्ली, राइट, इसको फिर हम लोग क्लोज करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब क्या करना है, ये जो टेबल रॉ हमने स्टार्ट किया था इसको क्लोज करेंगे TR, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये जो टेबल फुट हमने स्टार्ट किया था उसको क्लोज करेंगे टी फुट, ओके, फिर टेबल को क्लोज करेंगे, ओके, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे, जो भी एलिमेंट्स खुले हुए हैं सबको क्लोज कर देना है, ठीक है, जो भी कंटेनर एलिमेंट है सबको क्लोज करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे और इसको हम लोग फाइल में और सेव कर लेंगे और किसी भी नया फाइल नेम डाल के और HTML एक्सटेंशन के साथ जो हम लोग इसको सेव करके ब्राउजर में जब हम लोग ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये आपके टेबल का जो टेबल जो है वो 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुट, यानी इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे ऊपर वाला रो जो होता है वो आपका टेबल हेडिंग है, उसके बाद वाला जो होता है वो आपका और टेबल बॉडी होता है, और सबसे लास्ट रो जो होते हैं बॉटम ऑफ द टेबल वो आपका क्या हो गया, टेबल फुट हो गया, यानी फुटर हो गया वो, ठीक है। तो चलिए और दैट्स इनफ फॉर टुडे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल स्पाम रो स्पाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।